मुंबई सिटी स्पेशली ओवरऑल नंबर्स हमारे पास काफ़ी रजिस्टर्ड है, लेकिन ऐसे ऐसे भी काफ़ी सारे वर्कर्स हैं जिनका रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयर्स को, अपने मेंबर्स को ये बता पाए कि उनके पास जो ऐसे वर्कर्स हैं जो पहले रजिस्टर्ड हो चुके हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन अभी वैलिड नहीं है, तो उनका रिन्यूअल पे ध्यान दें। और रिन्यूअल के लिए उनको बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के टाइम दिए ही जाते हैं, इसलिए रिन्यूअल पे उनको सिर्फ 90-day सर्टिफिकेट ही सबमिट करना है, उसके अलावा और कुछ डिटेल्स हमें नहीं चाहिए। तो एक बहुत ही छोटा प्रोसेस है ये। तो ये अगर आप करोगे तो जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुका है उनको भी ये सारी स्कीम्स का हम लोग बेनिफिट दे सकेंगे। प्लस बोर्ड ने और एक अच्छा काम ये किया है कि ये रजिस्ट्रेशन अभी ऑनलाइन भी हो सकता है। पहले हम लोग सिर्फ मैन्युअली ही लेते थे, फॉर्म्स भर के लेते थे, लेकिन अभी अगर इफ़ यू अपॉइंट समबडी जो ये पर्टिकुलरली यही काम के लिए वर्कर्स से कोऑर्डिनेट करेगा, उनका फॉर्म भरेगा, डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगा, तो इट विल बी इवन मोर ईजी फॉर द एम्प्लॉयर्स टू गेट देयर वर्कर्स एनरोल्ड विद द बोर्ड। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एम्प्लॉयर यहाँ पे, क्योंकि वर्कर्स जो है वो सारे साइट पे होते हैं। अगर हम लोग भी कभी साइट विजिट पे जाएं तो भी हार्डली कुछ वर्कर्स हमारे पास हम ऐसे होंगे जिनके साथ हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर अगर आप एक प्रैक्टिस यहाँ पे शुरू करें कि जैसे ही आपका कोई साइट शुरू होता है या जैसे ही कोई नए वर्कर्स ऑनबोर्ड होते हैं, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडक्शन अगर आप उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, स्कीम एप्लीकेशंस, ये सब आप अपने पास रेडी रखिए, यू गेट द फॉर्म फिल्ड ऑल्सो। और डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट जो है वो थोड़ा टाइम लेता है, तो मीनवाइल आप इंडक्शन में आप फॉर्म भरिए, मीनवाइल आप उनका डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करिए, और जैसे उसका 90 days कंप्लीट होता है आप फीस पे करके उनका रजिस्ट्रेशन हमारे पास करवा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि टाइम भी नहीं जाएगा और ये हम लोग इंश्योर कर पाएंगे कि साइट पे आने वाला हर वो वर्कर जो एलिजिबल है, जिसने 90 days से ज़्यादा काम किया है, वो हर वर्कर हमारे साथ रजिस्टर होगा और सारी स्कीम्स का बेनिफिट ले पाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग जो कर रहे हैं और जो ऑब्जेक्टिव है ये एक्ट का, BOCW एक्ट का, वो यही है कि ये सारे रजिस्टर्ड वर्कर्स तक बोर्ड का स्कीम्स वेलफेयर जो है उन तक पहुँचाए।